अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो मैडम, क्या देख के खुश हो रही है, मेरे भाई को या उसके गिटार को? एक्चुअली दोनों। तुझे पता है मुझे मन करता है कि मैं दिन रात अंकित को देखते रहूं। अच्छा। और उसकी म्यूजिक भी सुनते रहूं। सर, सर पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। ये तार भी विपिन के पास मिला है और सर ये गिटार भी। इस तार को और यहाँ पर जितने भी एविडेंस हैं सबको फोरेंसिक में भेजो। उस पड़ोसी का स्टेटमेंट लो, विपिन जोशी को थाने ले चलो, आगे की पूछताछ वहीं करेंगे इससे। By the way, आज तुम्हारे म्यूजिक में ना जादू था। आज का दिन खास जो है, आज सुर बहुत अच्छे से लगे। वैसे मुझे तो तुम्हारी म्यूजिक हमेशा अच्छी लगती है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। ओ हेलो, मैं भी हूँ यहाँ, भूल गए क्या? निशा, आज नहीं, कल चलते। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मर का ऑडिशन है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मुझे फर्स्ट आना है। प्लीज आज नहीं। क्यों, मैं तुम्हारे लिए खास नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारे बिना मेरी सरगम अधूरी है। मैं ले लेती हूँ। दो। तुझे कितनी बार बोला है मेरे सामान को हाथ मत लगाना, ये मेरे रूम में मत जाना, तुझे समझ में नहीं आता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई वैसे भी बाजार में बहुत मंदी चल रही है। अरे भाई 15% की छूट दे दी, अब और क्या करूं? मानसी और उनके पति के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो इन्हें विपिन वहीं पर मिले थे। विपिन के हाथ में एक तार था और पुलिस को लग रहा है कि उसी तार से मानसी को मारा गया है। इस सनसनीखेज हत्या की हर खबर हम आपको देते रहेंगे। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है, 20% कर ले, आ माल उठवा ले, लेकिन पेमेंट मुझे कैश में चाहिए। शाबाश, आ गया मेरा राजकुमार। 23 साल का हो गया है, न गल्ले पे बैठता है और न ही तो आगे की पढ़ाई करता है। पूरा दिन बरेली की सड़कों पे गाना बजाना और लड़कियों के साथ घूमना फिरना, कुछ तो शर्म कर। अपने भाई गुड्डू को देख, जिससे 2 साल छोटा है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसे अपनी बाप की चिंता है, लेकिन तुझे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपना बाप जिंदा रहे या मर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे संगीत से नाम और पैसा कमाना है। अबे तेरे संगीत से कुछ नहीं होने वाला, तेरा संगीत है ना भीख मांगने के काम आएगा। आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो क्या मैं भी कुछ नहीं कर सकता? नालायक, बदतमीज, भाई साहब क्या कर संभाल रहा है? अरे इतने बड़े बच्चे पर कोई हाथ उठाता? भाई साहब शाम तो जाए, चिंता मत कीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। संभाल लड़ाता है। सुन सुन सुन, तुझे ये नोट्स चाहिए थे ना? थैंक यू, तुझे कहां से मिलेगी? तू मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए कुछ भी। तेरा MBA का एंट्रेंस एग्जाम है ना, तू जा जाके पढ़ाई कर।
सर से सागर सेन, र से रेखा शर्मा, ग से गगन यादव और म से मानसी जोशी। बस पा जाइए सारी फाइल्स मेरे केबिन में भेजो पास। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही सर, इसी तार से मानसी का कत्ल किया गया सर। तार पे मानसी और उसके पति विपिन दोनों की उंगलियों के निशान हैं। ये सबूत और उस पड़ोसी का स्टेटमेंट, ये दोनों ही विपिन जोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। विपिन जोशी के रिमांड के कागजात तैयार करो। यस सर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ हमारे बीच में झगड़ा हुआ करता था लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। वो तो मेरे घर जाने से पहले मर चुकी थी। कमरा लॉक करके निकल जाता है रोज, सफाई कौन करेगा? अपने कमरे की सफाई खुद कर लूंगा। बात करने की तमीज ही नहीं। तो भूली क्या ताज राखी है? कोई बात नहीं। तुमको याद थी राखी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। निधि आई एम सॉरी कल के लिए। मुझे पता है ना, मुझे पसंद नहीं होगा मेरा सामान छुए या मेरे रूम पे जाए। इट्स ओके भैया एंड आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद आपकी कोई भी चीज को नहीं छूऊंगी और मैं घर वालों को भी नहीं छूने दूंगी। एक काम करें, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके रूम की रक्षा करूँ, ठीक है? क्या गिनते रहते हो अंकित? तीन हफ्ते में इंडिया बेस्ट परफॉर्मर की ऑडिशन है, उसके दिन गिन रहा था। All the best auditions के लिए। आप पक्का जीत जाओगे। उसके बाद तो हम आपको टीवी में ही देखा करेंगे। तेरा भी तो MBA का entrance exam है। तैयारी कर। कुछ आइए तो बताना। हाँ। अंकित दुबे। Yes sir। स्टार से कम नहीं लगते लेकिन तुम, पर तुम्हारे संगीत और प्रदर्शन में कुछ कमियां हैं। सूट थोड़ा ठीक करना हुआ तुम्हें, मेरे तरफ से तो है। सारे सर कम जल्दी जल्दी पूरी करनी होगी। पा चाहिए मुझे, पा चाहिए। इसको नहीं मार सकता,
नहीं नहीं ये नहीं, मैं घर भी जा सकता। संगीत पर जान डालने के लिए मुझे जान ले रही होगी। अंकित तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने इतने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। निशा प्लीज कभी ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की सरगम अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरे सुर कभी पूरे नहीं हो सकते। तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम एक दो हफ्ते में कहीं ना कहीं पक्का चलेंगे, पूरे एक दिन के लिए। कब मिलेगा मुझे मेरा पा? कब लगेगा मेरा अगला सुर? चलते रूम में चल के बात करते। मुझे पता है पापा को बहुत दुख होगा कि मुझे एमबीए में अच्छे नंबर्स नहीं आए, पर मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं अगले साल इससे भी अच्छे नंबर्स लाऊंगा। मुझे पता है सबको चाहिए था कि मेरा एमबीए में हो जाए। सबने मेरा कितना ख्याल रखा, पापा ने भी मेरा कितना ध्यान रखा था, तूने भी मेरी कितनी मदद की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सब कुछ किया, टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, मैंने इतनी कोशिश की थी। अंकित तू ही बता यार, मैंने क्या गलत किया? अंकित मुझे डर लग रहा है कि अगले साल भी मेरा होगा या नहीं होगा। तू सुन रहा है ना अंकित? पापा, जैसे कि आपने कहा था कि अच्छे नंबर ना आए तो मैं आपको मेरा मुंह ना दिखाऊं, ये मैसेज के बाद आप आखिरी बार मेरा मुंह देखोगे। आपके दबाव में और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। अंकित जैसे अपराधियों को सीरियल किलर कहा जाता है। इस तरह के अपराधी अपने शौक, अपनी आदत को पूरा करने के लिए एक के बाद एक मासूम जिंदगियों का कत्ल कर देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक यानी कि दिमागी बीमारी है।
जिसमें आमतौर पर इंसान को देखकर आप परख नहीं पाते हैं कि वो एक मानसिक रोगी है। सा रे गा मा पा धा नी, जिन लोगों के नाम सुरों के पहले अक्षर से शुरू हो रहे थे। अंकित उन लोगों को मारकर सात सुरों की सरगम पूरी कर रहा था। अब डर इस बात का था कि अंकित की अगली खोज अक्षर धा और नी थे। अब देखना यह है कि क्या अंकित के इस खूनी सफर को कोई रोक पाएगा। भैया, भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो, भैया, 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 वो गुंडा, वो गुंडा, बस बस आता नहीं आगे भी। क्या? ए बच्चा, अरे ये क्या हो गया भाई साहब, अरे ये क्या कर गया तू बेटा, जे जीते जी मार गया बेटा भाई साहब, भाई साहब, अरे देखो भाई साहब, ये मरने से पहले अपने बाप के लिए क्या लिख के गया, ये देखो, अरे ऐसा क्यों किया तूने? पापा, जैसा कि आपने कहा था कि अच्छे नंबर्स ना आए तो मैं आपको मेरा मुंह ना दिखाऊं। ये मैसेज के बाद आप आखिरी बार मेरा मुंह देखोगे। आपका दबाव मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। थाने ले चलो इन्हें। क्या कर गया ये? क्या कर रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं? बताते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप बहुत मुश्किल समय में हैं, लेकिन हमें आपको हिरासत में लेना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आईपीसी की धारा 306 के तहत अपने बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में। मैं जो भी कह रहा हूँ इस मैसेज के आधार पर कह रहा हूँ, जो पलाश दुबे ने अपने पिता मोहन दुबे को भेजा है, जिसमें उसने अपने इस कदम के लिए अपने बाप को जिम्मेदार ठहराया। तो इससे ये साबित होता है कि मैंने अपने बेटे को मारा? कोई बाप अपने बेटे को मारता है? अरे अरे क्या कह रहे हैं? अब बस धा और नी बचा है। ये लो आपका गिटार भैया। भैया मुझे ये गुड्डू के कमरे से मिला। क्यों? गुड्डू ले गया था फ्रेश होने के लिए। उसे गिटार उसकी मदद कर पाता। मुझे तो पता ही नहीं चला। पर ये क्या है?
तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे ना पता है कि तुम्हारी संगीत ना मेरे बिना अधूरी है। हाँ निधि। भैया चाचा जी को अभी भी बेल नहीं मिली है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसके पापा बहुत बड़े वकील हैं, वो कुछ ना कुछ करवा देंगे। ओके भैया। नी, नी तो मेरे पास है, बस धा चाहिए मुझे। अंकित दुबे यहाँ पर कितने बजे आते हैं? जी आप अंकित दुबे? जी मैं ही हूँ, बताइए। काफी समय से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, आज जाकर तुम मेरे हाथ लगे। संगीत मंदिर में तुम ही गिटार बजाना सिखाते हो? मैं ही सिखाता हूँ यहाँ पे। मुझे गिटार बजाना सीखना है। देखिए मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ। हेलो, हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, बोलो। क्या 5 लाख रुपए? अरे तेरे को तो 10 लाख के लिए बोला था ना मैंने। ओके, आपका नाम धर्मेंद्र है? धा से धर्मेंद्र? हाँ हाँ, धा से धर्मेंद्र। मैं सिखाऊंगा आपका म्यूजिक। ठीक है, कल से 10 बजे आ जाएंगे। ओके ठीक। अब तो भगवान भी मेरी सरगम पूरी करना चाहता है। धा भी मिल गया और नी को तो मैं कभी भी मार सकता हूं। वकील साहब आप सुनवाई की तारीख निकलवाए ना जल्दी से कोर्ट से। अरे मैं गवाही दूंगा, घर के सभी लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सब मोहन को जानते हैं। मोहन गुड्डू को आत्महत्या करने के लिए उकसा नहीं सकता है। अब मेरी बात समझ। जी जी ठीक है। हाँ देख तेरे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट किया, परसों वो पूरा दिन बिताएगा मेरे साथ, पहले कान जाएंगे फिर फन सिटी। घर में इतना सब हो रहा है और भैया ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। आज धा की बारी। सारे गामा पाधानी कहाँ जा रहे हो भैया? संगीत मंदिर। क्यों? नहीं बस यूं ही। सा रे गा मा पा धा। कैसे हैं आप? बढ़िया। बैठे थोड़ा सीधा करिए इसे। हाँ आपकी ये तीनों फिंगर इस पे देखिए, ये आपकी स्ट्रिंग्स है और ये है ए माइनर और ये जी माइनर। बस अब आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं आता हूं, दरवाजा बाहर आवाज आ रही है ना, दिक्कत हो रही है, बंद कर देता हूं। करिए करिए। हेलो। हाँ वो तेरा 25 मिनट का काम हो गया। हाँ मैं शाम को तेरे को देता हूँ टाइम, मैं तेरे को थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है ओके।
शुरू करिए। अपने आंखें बंद करिए और अपनी फिंगर स्ट्रोक्स पे ध्यान दीजिए। आप तो एक महीने में सीख जाएंगे। वाह बहुत खूब। पेमेंट लेने के लिए सिविल लाइंस के पीछे वाली जगह पे आ जाओ, 5 बजे वहीं हिसाब करेंगे। हेलो हेलो पुलिस, मेरी जान खतरे में, ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। हेलो सारे गा पधानी भैया कमरे में क्या कर रहे हैं? सर इसी फोन से फोन आया था कंट्रोल रूम में। सर ये धर्मेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, मुझे लगता है इन्होंने यहाँ किसी को पैसे देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो तो हमारे आने के बाद पहुंचा ना। कातिल बहुत चालाक है, तार से गला काट कर मारा है। सर मानसी केस में भी तार से गला काटा गया था, लेकिन वहां तो उसका हस्बैंड था। सर मुझे इन दोनों केस में ना कोई समानता नहीं लगती। लेकिन सर गला काटने का तरीका मिलता जुलता है। मतलब ये तो साफ हो गया कि मानसी जोशी मर्डर केस में मानसी का कत्ल उसके पति ने नहीं किया। तिवारी 2 साल के सारे मर्डर केसेस की रिपोर्ट निकालो जिसमें कत्ल करने का तरीका इस केस से मिलता जुलता हो। सर जी बोलिए। सर मेरे चाचा जी के लिए टिफिन लाई हूँ। लेके जाओ इन्हें। ओके सर। थैंक यू सर। सर ये देखिए सागर सिंह, रेखा शर्मा, ये गगन यादव, मानसी जोशी और से लास्ट में धर्मेंद्र। सर ये सब वो लोग हैं जिनका कत्ल तार से किया गया। पिछले 2 साल से इन सबके कत्ल करने का तरीका लगभग एक जैसा था। तिवारी इन सबकी फाइल अच्छे से चेक करो, आगे पीछे की सारी जानकारी निकलवाओ। लगता है ये कोई सीरियल किलर है। अगर ये सारे कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं तो और भी कत्ल करने के फिराक में। हेलो। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा मैं सोच रही हूँ निधि को भी नहीं, लेकिन मैंने उसको बोला है कि हम बाहर जाने वाले हैं। हाँ तो उसको बोल दो प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है। अब मेरी जिंदगी की सरकम पूरी होने वाली है। रे गा मा पा था नी। कल मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ,
मेरा और अंकित का मिलना कैंसिल हुआ। निधि को अब तक अपने सगे भाई पर सिर्फ शक था, क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यहां मामला बिगड़ सकता था, अंकित भाग भी सकता था और निधि खुद खतरे में आ सकती थी। ऐसे में निधि को अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना था, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। जरूरी था कि वो अपनी हिम्मत और संयम से काम ले। देखना यह है कि क्या निधि कामयाब हो पाएगी। आज मेरी जिंदगी की सरगम पूरी होने वाली है। सारे गामा पाधा नी नी से नशा। सर, सागर सिंह, रेखा शर्मा, गगन यादव, मानसी जोशी और से लास्ट में धर्मेंद्र। सर, ये सब वो लोग हैं जिनका कत्ल तार से किया गया। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। वहां नाम से तो कोई तो का असली नाम तो पलाश दुबे था, और जाने के सारे गामा पाधा यानी कि नी नशा। तुम्हारे बिना मेरी सरगम अधूरी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कहाँ जा रहे हो भैया? संगीत मंदिर जा रहा हूँ। पर आज तो आपकी कोई क्लास नहीं है। एक स्पेशल क्लास है। पापा मम्मी कहाँ पे? वो लोग तो एडवोकेट से मिलने गए हैं। तुझे जाना पड़ेगा। तू जाएगी ना तो मैं सबसे बड़ा संगीतकार बनूंगा। संगीत हूँ सबसे। अंकित छोड़ छोड़ निधि को, पकड़ो उसे, हाथ पैर खोलो उसके। निधि तुम ठीक हो ना? तूने क्या है पुलिस को? ले चलो इसे। पढ़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सब ठीक है। इन सबको मारा क्यों तुमने? एक साल पहले मैं
इंडिया बेस्ट परफॉर्मर के ऑडिशन के लिए गया था। उन्होंने मुझे वहां से निकाल बाहर किया। तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, खुद का खून बहाने से तेरे सुर सही नहीं होने वाले। तेरे संगीत में जान तभी आएगी जब तू जान लेगा ऐसे लोगों की जिनके नाम सरगम के नाम से शुरू होंगे। फिर मैंने सागर सिंह को मारा और मेरा सुर अच्छा हो गया, लोगों को मेरा संगीत पसंद आने लगा। बस ऐसे ही एक एक करके मैं खून करता गया, मेरे सुर अच्छे होते गए। आज तो मेरी सरगम पूरी हो जाती, निधि ने बखेड़ा खड़ा ना क्यों। आपका नाम क्या है सर? ईशान त्यागी। फिर तो आपको मार के मैं अपना नी पूरा कर सकता हूं और मेरी सरगम पूरी हो जाएगी। सर मैं आपको मार दूं? हाँ सर। सर निधि ने अपनी सूझबूझ से काम लेकर न केवल निशा की जान बचाई बल्कि सारा खतरा खुद अपने ऊपर ले लिया और अंत में जीत सच्चाई की हुई। इस पूरे प्रकरण में निधि एक नायिका बनकर सामने आई, वो हम जैसे लोगों के लिए एक मिसाल और उदाहरण बन गई। ये जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जुर्म से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है हम सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।